क्या रोमन रिंग्स हमें 10 जनवरी 2022 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे सेथ रोलिंग्स को कन्फ्रंट करते हुए दिखेंगे? ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के बीच में हमें मंडे नाइट रॉ पे क्या देखने को मिलेगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम रिवील करेंगे कि 10 जनवरी 2022 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें WWE क्या क्या दिखाएगा। मेरा नाम है दोस्तों नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, मंडे नाइट रॉ पे WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि RK ब्रो को अपनी रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप को अल्फा एकेडमी के खिलाफ डिफेंड करना पड़ेगा। मैच से पहले देखा जाए तो ओटिस और चैड गेबल ने RK ब्रो पे काफी अच्छी एडवांटेज बना ली है, स्पेशली पिछले मंडे नाइट रॉ पे RK ब्रो को यहाँ पे अल्फा एकेडमी ने हरा भी दिया था। तो एक्सपेक्ट सब यही कर रहे हैं कि हमें टाइटल चेंज होता हुआ दिख सकता है, यानी कि रॉ के नए टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिख सकते हैं अल्फा एकेडमी पर। मेरी प्रेडिक्शन साफ है कि अभी RK ब्रो यानी कि रेंडी ऑर्टन और रिडल का टाइटल हारने का टाइम नहीं आया है, इसीलिए इस मैच में हमें RK ब्रो अल्फा एकेडमी को हराते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमें एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न होती भी दिखेगी। आखिरी बार हमें एलेक्सा ब्लिस रॉ के टाइटल मैच में देखने को मिली थी शॉर्लेट फ्लेयर के खिलाफ, जहां पे शॉर्लेट फ्लेयर ने उनकी गुड़िया को फाड़ दिया था, जिसके बाद से एलेक्सा ब्लिस साइनस सर्जरी करवाने के लिए WWE से टाइम ऑफ ले चुकी थी। एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न पे दोस्तों साफ है कि हमें एलेक्सा ब्लिस की जर्नी भी दिखाई जाएगी और हमें एलेक्सा ब्लिस का डार्क करेक्टर भी देखने को मिलेगा, यानी कि मंडे नाइट रॉ पे हमें एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न होती भी दिखेगी। पर दोस्तों, हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखा था कि एडम पियर्स के सबसे बड़े सरप्राइज के तौर पे हमें रोमन रिंग्स का चैलेंजर सेथ रोलिंग्स देखने को मिला। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद हमने देखा कि सेथ रोलिंग्स ने द उसो से लड़ाई करी और क्राउड के सामने एक बेबी फेस टर्न लेने की कोशिश करी। अब हमें मंडे नाइट रॉ पे रोमन रिंग्स सेथ रोलिंग्स को कन्फ्रंट करते हुए दिख सकते हैं और सेथ रोलिंग्स के बेबी फेस टर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें रोमन रिंग्स उसोस के साथ मिलके इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे अपने शील्ड ब्रदर को सिर्फ कन्फ्रंट ही नहीं, सेथ रोलिंग्स की पिटाई करते हुए भी दिख सकते हैं। यानी कि रोमन रिंग्स हमें इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पे वो अपने चैलेंजर सेथ रोलिंग्स की पिटाई करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते फिर से रिया रिपली और निकी क्रॉस अपने टैग टीम चैंपियनशिप मैच में हार गई थी। WWE लगातार टीज कर रहा है कि रिया रिपली और निकी क्रॉस के बीच में ब्रेकअप हो सकता है। इस मंडे नाइट रॉ पे भी हमें रिया रिपली और निकी क्रॉस किसी मैच में हारते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में हमें फाइनली ब्रेकअप होता हुआ दिख सकता है या WWE रॉयल रंबल 2022 तक का भी इंतजार कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज और उनकी वाइफ बेथ फीनिक्स का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे वो मरीस और उनके हस्बैंड द मिस को कॉल आउट करेंगे। इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें पैथ फीनिक्स और एच पे मिस और मरीस की जोड़ी भारी पड़ती हुई दिख सकती है। मिस हमें एच को किसी ट्रिक में फंसाते हुए दिख सकते हैं और मरीस इसी का फायदा उठा के पैथ फीनिक्स पे अटैक कर सकती है और हमें मरीस और पैथ फीनिक्स के बीच में एक ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्मर WWE चैंपियन बिग ई के बारे में, जिन्हें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ कोई रीमैच नहीं मिलेगा। अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बिग ई? बिग ई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो रंबल में जरूर एंट्री लेंगे और साल 2022 का रंबल भी जीतेंगे, इसीलिए मंडे नाइट रॉ पे WWE अब फिर से बिग ई को रीबिल्ड करना स्टार्ट करेगा और हमें किसी मैच में बिग ई मैच में जीतते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें AJ Styles और ओमास के बीच में एक रीमैच भी देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते ओमास ने AJ Styles को हरा दिया था, इस बार दोस्तों फिनोमिनल वन AJ Styles फिर से ओमास को एक रीमैच के लिए चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं और इस मंडे नाइट रॉ पे हमें इनकी स्टोरी लाइन खत्म होते हुए दिख सकती है।
साल 2022 के रंबल के फेवरेट विनर्स में से एक है एजे स्टाइल्स। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हम एक ट्रिपल थ्रेट नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का। जो भी डुओ ड्रॉप लिव मॉर्गन और प्रियंका बेलियर के बीच में जीतेगा वो हमें बैकी लिंच को फेस करता हुआ दिखेगा रंबल के इवेंट पे। दोस्तों माना जा रहा है कि डुओ ड्रॉप लिव मॉर्गन और प्रियंका बेलियर को हरा के इस मैच को जीतेगी, पर मेरी प्रिडिक्शन है लिव मॉर्गन के साथ कि फिर से WWE एक लिव मॉर्गन को मौका देगी बैकी लिंच को रंबल पे फेस करने का। पर दोस्तों मेन इवेंट पे हमें बॉबी लेशली ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करते हुए दिखेंगे और ब्रॉक लेसनर बॉबी लेशली के कॉल आउट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे। ब्रॉक लेसनर फिर से रिंग में आके रोमन रिंग्स के बारे में ही बात करेंगे जिसे देख बॉबी लेशली भड़क जाएंगे। बॉबी लेशली ब्रॉक लेसनर को फिर से वार्निंग देंगे और ब्रॉक लेसनर पे अटैक करते हुए दिखेंगे जिसका फायदा हमें रोमन रिंग्स उठाते हुए दिखेंगे। और इस हफ्ते हमें मंडे नाइट रॉ पे WWE चैंपियन पहले बॉबी लेशली और फिर रोमन रिंग्स ट्राइबल चीफ का शिकार बनते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर का साथ सेथ रोलिंग्स देंगे बॉबी लेशली और यहाँ पे रोमन रिंग्स के खिलाफ? अब अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।